नमस्ते दोस्तों, तन्वी क्रिएटिव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही बढ़िया सी एक स्वीट बनाएंगे जो आसान है, तुरंत बन जाती है, हेल्दी भी है और स्वाद में बहुत ही टेस्टी है, जिसका नाम है पंचरत्न खीर। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है। 500 ml मिल्क लिया है, 1/4 कप कद्दूकस किया हुआ गाजर, 1/4 कप कद्दूकस की हुई लौकी, 1/4 कप साबूदाना, 1/4 कप कुक किया हुआ राइस, 1/4 कप रोस्टेड वर्मीसेली, 1/2 कप ब्राउन शुगर, 1 टीस्पून घी, इलायची पाउडर, केसर और छोटे छोटे बादाम के टुकड़े। तो आइए पंचरत्न खीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं। नॉनस्टिक पैन में हम घी ले लेते हैं। उसमें रोस्टेड वर्मीसेली डालेंगे, इसको सेविया भी कहा जाता है, तो हम ये सेविया डालेंगे। इसको 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। ये सेविया से खीर का कलर तुरंत ही आ जाता है। जो रेगुलर खीर हम बनाते हैं उसको ये कलर लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा उबालना पड़ता है, लेकिन ये सेविया डालने से खीर को ज़्यादा उबालना नहीं पड़ता है और कलर भी अच्छा आ जाता है। हमने 1 मिनट के लिए रोस्ट कर ली है। अब हम दूध डालेंगे। और जब तक दूध में उबाल ना आए तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। दूध में उबाल आ गया है तो सबसे पहले हम कद्दूकस किया हुआ गाजर डालेंगे। इसको थोड़ी देर चलाएंगे। अभी भिगोया हुआ साबूदाना डालेंगे। मैंने 3 घंटे पहले साबूदाने को भिगोया है तो एकदम सॉफ्ट बन गया है। साबूदाना डाल लेते हैं। कद्दूकस की हुई लौकी डालेंगे। अगर बच्चे घर में वैसे लौकी या गाजर नहीं खाते हैं तो ये खीर में इतना अच्छा टेस्ट आता है, तो बच्चे खुशी खुशी से ये खीर खा लेते हैं। अभी कुक किया हुआ राइस डालेंगे। दो से 3 मिनट तक हम इसे लगातार चलाएंगे। अब हम देख लेते हैं गाजर और लौकी सॉफ्ट हो गए कि नहीं। एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और साबूदाने भी बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो साबूदाने भी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब हम शुगर डालेंगे। मैंने ये ब्राउन शुगर डाली है। अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो आप यहाँ पे शुगर फ्री भी डाल सकते हो, रेगुलर चीनी भी डाल सकते हैं और कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। दो मिनट के लिए हम चलाएंगे। हमारी खीर तैयार है तो अब हम इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। केसर, और बादाम के टुकड़ों से गार्निश कर लेते हैं।
तो ये खीर आप सर्दी के मौसम में गर्म भी खा सकते हैं और फ्रिज में रखकर ठंडी भी खा सकते हैं। तो आप ये खीर घर पे ज़रूर बनाइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मेरा यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो है। हर हफ्ते मैं ऐसे ही कुछ नई नई क्रिएटिव रेसिपी आपके सामने लाके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।